सांपों में रंग बदलने की शक्ति को लेकर अक्सर कई मिथक और भ्रांतियां जुड़ी होती हैं। सवाल उठता है कि क्या वास्तव में सांप रंग बदल सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमने प्रसिद्ध सांपों के एक्सपर्ट महादेव पटेल से बात की। उन्होंने इस विषय पर वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। जो सांप के रंग बदलने की बात है कि सांप गिरगिट के जैसे रंग बदल सकता है, तो ऐसा नहीं है। जनरली सांप अपने वातावरण, पर्यावास और रहन सहन के हिसाब से अलग अलग कलरों में देखा जाता है प्रायः। जैसे जनरली हमारे घरों के आसपास जो हम सांप ज़्यादातर देखते हैं, उसमें कोबरा करे समय पर स्वास्थ्य तो बड़ा पछाड़ हो गया। खरगोन के मंडलेश्वर में रहने वाले स्नेक कैचर और सांपों के एक्सपर्ट महादेव पटेल के अनुसार कुछ सांपों में रंग बदलने की क्षमता होती है, लेकिन यह क्षमता गिरगिट जैसी स्पष्ट और त्वरित नहीं होती है। वे बताते हैं कि रंग बदलने की क्षमता सांपों में उनके वातावरण, तापमान, स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिति के अनुसार होती है। जैसे हम बात करें कोबरा की, तो आमतौर पर देखा जाता है कि अगर आपने किसी सांप को, जैसे कोबरा सांप है, आपने उस सांप को सुबह सुबह के टाइम पे देखा हो, जब सूर्योदय नहीं हुआ, सूर्योदय हो गया हो, धूप नहीं हो, उस समय अगर आपने उस सांप को देखा है और वापस आपने उसी स्थान पर उस सांप को ऐसे वक्त पे देखा हो जब अच्छी धूप निकल आई, तो दोनों बार के जो आपने देखा है उस सांप को, तो दोनों बार में उसका कलर आपको अलग नजर आएगा। तो उससे भी लोगों को ऐसा लगता है कि यार इस सांप में कलर बदला है। बड़ा पछाड़ में 2 से 3 कलर आसानी से देखे जा सकते हैं एक साथ। तो कई बार लोगों में ये भी होता है कि जब ये अपने मेटिंग पीरियड में आते हैं तो ये अपना कलर बदल के पीला कर लेता है। आमतौर पर लोगों को काला थोड़ा पछाड़ी देखने में आता है, पर जब मेटिंग सीजन में आते हैं तो ये पीले कलर का या फिर हल्का ब्राउन कलर का भी देखने में आ जाता है। वास्तव में ये है कि वो तीनों कलर एक साथ देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि सांपों को लेकर सामाजिक मिथकों और कहानियों में उनके रंग बदलने की शक्ति को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में सांपों को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित हैं। लोग मानते हैं कि सांप बदला लेने के लिए रंग बदल सकते हैं या फिर दुश्मनों को धोखा देने के लिए भी रंग बदल सकते हैं। जबकि महादेव पटेल ने स्पष्ट किया है कि सांपों में ऐसी क्षमताएं नहीं होती है। उन्होंने बताया है कि सांपों को लेकर फैलाए गए मिथक का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। सांप अपनी रक्षा के लिए अधिकतर छिपने की कोशिश करते हैं, न कि रंग बदलने की। गांव में हम सुनते हैं कि यार मैंने एक लाल कलर का सांप देखा है, बहुत तेज चल के गया था, वो घोड़ा पछाड़ था पर लाल था। एक्चुअल में बैंडेड रेसर और घोड़ा पछाड़ दोनों की स्पीड जो है चलने की जो क्षमता होती है बहुत तेज होती है। घोड़ा पछाड़ आमतौर पर लगभग 10 से 12 फीट तक लंबे हो जाते हैं, पर जब वो एक वयस्क अवस्था में होते हैं, यूँ कह सकते हैं कि 4 से 5 फीट की लंबाई में होते हैं, तो उस अनुपात में ही जो बैंडेड ड्रेसर है, जब ये वयस्क होता है तो लगभग 4, 4.5 फीट के आसपास बड़ा होता है। और उसकी लंबाई के हिसाब से अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं कि यार मैंने लाल कलर का घोड़ा पछाड़ देखा है जो उनके चल के जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सांपों में रंग बदलने की क्षमता सीमित और धीमी होती है, लेकिन समाज में इसको लेकर प्रचलित धारणाएं और कहानियां इसे रहस्यमय और अद्वितीय बनाती है। लोकल लाइटिंग के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।